हाय, मैं हूँ रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ैन गॉट टीवी पर। अब ये एक अजीब कहानी है कि मैंने दो किताबें लिखी हैं, एक का नाम है आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरी है लीव मी अलोन आई एम ज्विश, जिसमें मेरी गवाही है। तो मैंने अपने पिता को एक ईमेल लिखी जो इन किताबों को भेजते हैं और उसमें मैंने लिखा सेंड इट एंड लीव मी अलोन। अब इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। जब मेरी मम्मी ने उस ईमेल को पढ़ा तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। दरअसल मैं तो ये लिखना चाहता था सेंड इट आइडेंटिटी थेफ्ट साथ में लीव मी अलोन आई एम ज्यूइश इस खास व्यक्ति को। देखा दोस्तों, अर्थ गलत निकलने से क्या हो जाता है अगर उसके आधार की समझ ना हो। इसी तरह बाइबल में बहुत कुछ है जिसे हम समझ नहीं पाते जब हम उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानते। अब रोमियो की किताब में एक बहुत विशेष पृष्ठभूमि लिखी गई है ताकि हम इस बात को समझ जाएं कि पौलुस क्यों कर इस किताब में इजराइलियों के विषय में इतना लिखता है। इतना तो उसने कभी गलातियों में नहीं लिखा, ना ही कुलुसियों में। उसने इजराइलियों के विषय में बहुत सी किताबों में लिखा है, परंतु रोमियो में वो इजराइलियों के विषय में बहुत लिखता है। वो उनको चेताता है कि वो लोग यहूदियों का विरोध ना करें और उनकी आलोचना ना करें। रोमियो के 11 अध्याय में वो परमेश्वर के लिए पुख्ता तरीके से कहता है। वो बार बार यहूदियों को संबोधित करता है, यहाँ तक कि रोम को चेताता है कि अगर उन्होंने इजराइलियों की बहुत आलोचना की तो वो जैतून की डाली से काट डाले जाएंगे, यानी परमेश्वर के घर से। आखिर वो ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि सन 49 में जब क्लॉडियस रोम का शासक था, वो रोम से सभी यहूदियों को निकाल देना चाहता था। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार सुटोनियस से मिलती है, जिसने बताया कि यहूदियों को क्रिस्तस की वजह से निकाला गया, जिसे कोई नहीं जानता कि वो कौन था, परंतु वो कहता है कि वो लगता है क्रिस्टोस या क्रिस्ट था या मसीहा। तो इतिहासकार सोचते हैं कि वो इस बात से इतना हताश था कि यहूदी विश्वासी और गैर यहूदी विश्वासी कैसे एक होते जा रहे थे, और ना ही वो उसे कोई देवता मानते थे, क्योंकि रोमी संस्कृति के अनुसार अगर आप कैसर हैं तो आप पूजनीय हैं। इसलिए वो यहूदियों को निकाल देना चाहता था। और जब वो लौटे 5 वर्ष के बाद, जब वहाँ पर नीरो सम्राट बन चुका था, तो रोम के विश्वासी यहूदी विश्वासियों के साथ अलग तरह से पेश आने लगे, जैसे वो कोई छोटी श्रेणी के लोग हों। महान अंग्रेज बाइबल के उस्ताद डेविड पॉलसन कहते हैं वो उन्हें अपनी सभाओं में भी बुलाना नहीं चाहते थे। तो जब आप इस आधार को समझ जाते हैं कि रोमी विश्वासी जो कि सर्वप्रथम थे जिन्होंने रिप्लेसमेंट थियोलॉजी को कबूल किया था, जिसके अनुसार ये विश्वास करना कि नया इसराइल ही कलीसिया है, जिसे हम बिल्कुल भी वचन में कहीं नहीं पाते, और जब हम इसे समझ जाते हैं कि ये एक यहूदी विरोधी भावना थी, यहूदी विरोध था जो रोम के विश्वासियों में से आया था, यहाँ की यहूदी विश्वासियों के विरोध, इस तरह हम पृष्ठभूमि को जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि पौलुस क्यों कर रोमियों की किताब में इतना अधिक दबाव डालते हुए यहूदी विश्वासियों के विषय में लिखता है। पर आप जरूर God.TV पर जाएं ताकि आउट ऑफ ज़ैन के किसी एपिसोड से ना चुके। मुझसे संपर्क करें RonKenter.com पर। शालोम इसराइल से। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ैन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.TV/ज़ैन पर जाएं।